चैप्टर नंबर 4 पेज 217 ऑफ सिविक्स. लेट्स स्टार्ट. रोल ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ केयर. हम इसमें पढ़ेंगे क्या गवर्नमेंट का रोल है हमारे हेल्थ केयर में, क्या वो हमें नेसेसिटीज प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे. हेल्थ का मतलब क्या है, सर्विसेज कैसी हैं इंडिया में, कैसी दी जाती हैं, क्या मेजर्स लिए गए हैं बंगाल में हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और ऑब्वियसली जो हमारे चैप्टर का नाम है, गवर्नमेंट का ओवरऑल क्या रोल है हेल्थ केयर में. ठीक है, पहले पढ़ेंगे व्हाट डज हेल्थ मीन. गुड हेल्थ मीन्स, प्लीज अंडरलाइन दिस, गुड हेल्थ मीन्स आर कैपेसिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम फिजिकल डिसऑर्डर, इलनेस और इंजुरीज. गुड हेल्थ का मतलब ही यही होता है, किसी भी इलनेस से, किसी भी बीमारी से, किसी भी फिजिकल डिसऑर्डर से, किसी भी इनकेपेबिलिटी से, किसी भी चोट से, इंजरी से दूर रहना, फ्री रहना. हेल्थ इन अ ब्रॉडर सेंस मीन्स मच मोर देन ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज. हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज फ्री रहना नहीं होता है, सिर्फ अच्छा इलनेस फ्री होना नहीं रहता है. डिजीज का मतलब होता है अच्छी ग्रोथ, अच्छी बॉडी, अच्छी हेल्थ, अच्छा इम्यून सिस्टम. ठीक है, हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज फ्री नहीं होना होता, उसका मतलब उससे ज़्यादा होता है अच्छी ग्रोथ होना, अच्छा इम्यून सिस्टम होता. ये मतलब नहीं अरे वो फैट है या वो स्लिम है, पर उसकी हेल्थ कैसी. हो सकता है वो बहुत पतला हो पर वो बीमार बहुत रहता, हो सकता है वो मोटा, वो बिल्कुल बीमार ना होता हो, या फिर ऐसा इंसान जिसको बहुत बीमारी हमेशा ही लगी रहती हो. तो गुड हेल्थ रहनी बहुत ज़रूरी है इस केस में. जो थोड़े फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं एक गुड हेल्थ के लिए, प्लीज़ अंडरलाइन दिस, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो हमारे ऊपर है बिल्कुल, नरिशिंग फूड, हाइजीनिक कंडीशन एंड अ साउंड स्टेट ऑफ माइंड. अच्छा दिमाग का होना, अच्छा नरिश्ड फूड खाना, हाइजीनिक कंडीशंस में साफ सुथरी जगह पे रहना, पानी अच्छा होना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. हमारे बाहर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है एक अच्छी हेल्थ के लिए. साउंड हेल्थ ऑल्सो इम्प्लाइज द एबिलिटी टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड फियर. बिना किसी डर के, बिना किसी एंजाइटी के रहना, उसी को साउंड हेल्थ कहते हैं जो हमें एक अच्छी लाइफ इकोनॉमिकली भी और सोशली भी जीने देती है. अब आप इतना ज़्यादा कफ कोल्ड रहेगा, आप ज़्यादा बीमार रहोगे, ना कहीं आ जा पाओगे, ना कोई काम कर पाओगे, ना सोशल हो पाओगे, जब काम नहीं कर पाओगे तो कमा नहीं पाओगे, प्रोडक्टिव लाइफ थोड़ी रह जाएगी. वो चार चार दिन एब्सेंट रहोगे, प्रोडक्टिव लाइफ नहीं रह जाएगी, कितना कितना काम छूट जाएगा. तो इसी का मतलब है कि सोशली भी और इकोनॉमिकली भी हम बहुत कुछ लैक करेंगे. मेडिकेशन कम्बाइंड विद टूरिज्म इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म. जो टूरिज्म से मेडिकेशन जो होती है, जो टूरिज्म से करती है, मतलब जो जा जाके एक दूसरी दूसरी जगह पे मेडिकेशन होती है, उसे मेडिकल टूरिज्म कहते हैं. प्लीज अंडरलाइन दिस, स्पा टाउन्स एंड सैनिटोरियम्स मे बी कंसिडर्ड एन अर्ली फॉर्म ऑफ मेडिकल टूरिज्म. स्पा टाउन्स क्या है बेटा, बहुत बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सैनिटोरियम्स बनाए गए हैं जो मेडिकल टूरिज्म उन्हें कंसिडर किया जाता है. मेडिकल ट्रैवल हैज़ बिकम पॉपुलर टुडे ड्यू टू लेस हेल्थ केयर कॉस्ट, लेसर वेटिंग टाइम फॉर सर्टन प्रोसीजर्स, ईज ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल एंड इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी. मेडिकल ट्रैवल ये होता है बेटा मेडिकल बेसिस पर, यहाँ पे नहीं तो हम कहते हैं ना यहाँ पे हमारा इलाज नहीं हो सकता, तो हम वहाँ जाके या इंटरनेशनली हम जाके करा देते हैं. अच्छा भी रहेगा, एक ही बार खर्चा होगा लेकिन अच्छा हमें ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी बाहर की इंटरनेशनली जो है टेक्नोलॉजीज बहुत बेटर है. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता है WHO होता है, उसके हिसाब से द इंजॉयमेंट ऑफ द हाइएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. ये हमारा फंडामेंटल राइट है बेटा, साफ सफाई, अच्छी हेल्थ, ये हमारा राइट है. ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो ठीक है तुम यहाँ रह रहे हो, ये हमारा राइट है कि गवर्नमेंट हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें ये बताता है कि ये हमारा राइट है एनी ह्यूमन बीइंग का, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन. विदाउट एनी डिस्टिंक्शन मतलब विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर. ये वाली बात है कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप सिख हो, आप जैन हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं पड़ता. आपकी एज क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका कलर क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जेंडर क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेल हो फीमेल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये हमारा फंडामेंटल राइट है
हेल्थ अच्छी मिलना. हेल्थ स्टैंडर्ड्स रिफ्लेक्ट इकोनॉमिकल सोशल एंड मॉरल वैल्यू ऑफ बीइंग ऑफ वेल बीइंग ऑफ अ कंट्री. और यही चीज़ हमारी इकोनॉमिकल और सोशल और मॉरल वेलबींग को क्या करता है, एक तरीके से हाईलाइट करता है. वो कहते हैं ना प्रदर्शन करना, उसका प्रदर्शन करता है हमारी कंट्री का कि क्या यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड होती है. दस इट इज़ क्रूशियल दैट स्टेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग हेल्दी लाइफ अमंग इट्स सिटीजन. और उससे भी ज़्यादा एक बहुत क्या रोल प्ले करता है कि आपका स्टेट, आप जिस स्टेट में रहते हो, यूपी में रहते हो या उत्तराखंड में रहते हो या महाराष्ट्र में रहते हो या एमपी में रहते हो, ये और भी डिपेंड करता है कि वहाँ का हेल्थ मिनिस्टर कौन है, वो क्या क्या हमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है. तो कंट्री से भी ज़्यादा पहले तो कंट्री पर डिपेंड करता है, कंट्री से वो हाईलाइट होती है चीज़, उसके बाद स्टेट पर आ जाती कि हमारे स्टेट वाले हमें कितना ध्यान दे रहे हैं. हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया एंड ओवरव्यू. एक क्विक ओवरव्यू है यहाँ पे कि हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिया में, हमारी कंट्री में कैसे हैं. हियर आर सम फैक्ट्स दैट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन आर कंट्री. फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया हैज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस. बहुत अच्छी बात है, हमारे इंडिया के पास सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं. इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल क्वालिफाइंग एवरी ईयर. सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया के कॉलेजेस में से, जो मेडिकल कॉलेज है, सबसे ज़्यादा यहाँ से बच्चे क्वालिफाई करके निकलते हैं हर साल. लीडिंग कंट्रीज़ में से, मेडिकल लाइन में लीडिंग कंट्रीज़ में से ये हमारी फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब लीडिंग कंट्रीज़ में से आता है, फर्स्ट पोजीशन में तो नहीं बट वन ऑफ द बेस्ट. ठीक है, इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड बिगर एक्सपोर्टर. ये हम सबको पता है कि प्लीज़ अंडरलाइन बोथ ऑफ दिस पॉइंट्स कि इंडिया हमारा जो है, प्लीज अंडरलाइन विद द पेंसिल, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर. इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलर प्रोड्यूसर एंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन. और जो इंडिया है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और बिगेस्ट एक्सपोर्टर. एक्सपोर्ट करना मतलब बाहर करना, प्रोड्यूस कर मतलब उन्हें बनाना और फिर उन्हें एक्सपोर्ट करना मेडिसिंस का है. हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन आर कंट्री. थर्ड पॉइंट, हैव रिकॉर्डेड अ कंसिडरेबल इंक्रीज ओवर पास्ट डिकेड्स. बहुत अच्छा रिकॉर्ड उन्होंने फासला तय करा है फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के मामले में. एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन द कंट्री हैव क्रॉस्ड 18,000 मार्क. और हमारी कंट्री में 18,000 से भी ऊपर जो है हॉस्पिटल्स बन चुके हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट विजिट इंडिया. मेडिकल टूरिस्ट कौन होते हैं बेटा इन इंडिया एवरी ईयर फॉर ट्रीटमेंट. मेडिकल टूरिस्ट कौन से होते हैं बेटा, जो अपने इलाज के लिए बाहर अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं, उन्हें मेडिकल टूरिस्ट कहते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट विजिट इंडिया एवरी ईयर फॉर ट्रीटमेंट. दे गेट ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स इन आर कंट्री विच विल गिव यू अ कम्प्लीट डिफरेंट पिक्चर. अब सॉरी, दे गेट ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स दैट आर रेटेड एट सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. और फिर वो आके कहाँ पे इलाज कराते हैं, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट रेटेड होते हैं वहाँ इलाज कराते हैं. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन. अब अच्छा, नाउ टेक अ लुक एट दीज फैक्ट्स रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ हेल्थ केयर. ये तो हो गई हमारी इंडिया की बात. ये इंडिया का क्विक एक ओवरव्यू था कि इंडिया में हेल्थ केयर, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है. अब स्टेट हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है, अब हम ये पढ़ेंगे. अल्लाह नाउ टेक अ लुक एट दीज फैक्ट्स रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ हेल्थ केयर. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर अंडर नरिश्ड एज दे डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट. हाफ ऑफ द चिल्ड्रन जो है हमारे भारत में, हमारी कंट्री में, ऐसे हैं जो अंडर नरिश्ड हैं, अंडर ग्रोथ हैं, क्योंकि उनको खाना ही नहीं मिलता है. एडिक्वेट खाना मतलब उस मतलब अ वास्ट चंक ऑफ आर कंट्रीज पॉपुलेशन. वास्ट चंक मतलब, चंक का मतलब होता है गुच्छा. ये ज्योग्राफी में भी हमने पढ़ा था, चंक का मतलब होता है गुच्छा. तो अ वास्ट चंक ऑफ आर कंट्रीज पॉपुलेशन मतलब एक अच्छी मात्रा में कंट्री की पॉपुलेशन है, उसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिलता है. इसी वजह से लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉल प्रे टू वाटर बोर्न डिजीजेज विच आर कंटेजियस. पानी सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ है
जो कंटेजियस होती है, जो फैलाती है। पानी फैलता है, पानी खराब रहता है तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से और बीमारियां फैलती हैं सबसे ज़्यादा। तभी कहते हैं पानी सबसे ज़्यादा घर में साफ होना चाहिए। आप जो भी पानी बढ़े, अभी भी जब डिजीज़ चला था तो हम पानी बहुत ज़्यादा बॉईल करके, या अभी भी हम लोग पानी बॉईल करके और ये करके पी रहे, क्योंकि हमें पता है पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है या फ़ायदा कर सकता है। दे इंक्लूड हेपेटाइटिस, डायरिया और क्लोरिया। इस वजह से ये तीन बीमारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पानी की वजह से ही होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ अ मिलियन पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। और अप्रॉक्सीमेटली आधे से ज़्यादा लोग, हाफ ऑफ द मिलियन पीपल, एक मिलियन में से हाफ मतलब डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस से मर जाते हैं हर साल। मलेरिया भी एक डिजीज़ है विच हैज़ नॉट बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल। मलेरिया भी एक ऐसी डिजीज़ है जो अभी तक हमारी कंट्री में, स्टेट में, हमारे काफ़ी स्टेट्स में अंडर कंट्रोल नहीं लाया गया है। एवरी ईयर एज मैनी एज 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया रिपोर्टेड। सोचिए, कंपेयर टू अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज सफर फ्रॉम ग्लेयरिंग लैक ऑफ साउंड हेल्थ फैसिलिटीज। और अर्बन एरियाज से जो है, रूरल एरियाज जो है वो ज़्यादा ही लैक करते हैं अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, उन्हें वहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। इन दीज एरियाज द रेशियो ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड पॉपुलेशन इज एबिसमली लो। और उसके मुकाबले जो है प्रैक्टिशनर्स की जो मात्रा है, जो पॉपुलेशन है, वो कम रहती है। ऑब्वियसली वहाँ कम है लोग गाँव में। अर्बन और रूरल एरियाज पता है ना, अर्बन एरियाज कौन से होते हैं और रूरल एरियाज कौन से होते हैं, कौन बताएगा? पीपल एट सेवरल प्लेसेस हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ फिजिशियन और हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट। इन मेनी केसेस पुअर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कॉज डिले इन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। बहुत ऐसा होता है, यहाँ पे भी ऐसा होता है, इतना ट्रैफिक की वजह से, पुअर ट्रांसपोर्ट की वजह से, या ट्रांसपोर्ट ना मिलने की वजह से ऐसा होता है कि पेशेंट्स आधे रास्ते में ही मर जाते हैं, या उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, उतने अच्छे प्रैक्टिशनर्स नहीं होते, या फिर जगहें जो होती हैं मेडिकेशन जो होता है बहुत दूर होता है। लॉन्ग प्लेसेस डिस्टेंस ट्रैवल करके लोगों को फिजिशियन के पास जाना होता है अपने मेडिकेशन, अपने इलाज के लिए। सो मैनी पीपल डाई फ्रॉम माइनर एंड क्यूरेबल डिजीज ओनली बिकॉज दे डोंट गेट प्रॉम्प्ट एंड टाइमली ट्रीटमेंट। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटी सी बीमारी से मर जाते हैं, पेट दर्द हुआ, मर गए। अभी कोई एक एग्जाम्पल दे रहा था कि क्या पैर में किसी के दर्द हुआ और वो बस हॉस्पिटल लेके गए हैं और डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं और वो ख़त्म हो गए। सी, ये कोई दर्द है? आजकल कुछ बीमारी का कुछ पता ही नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एवरी टाइम यू कंज्यूम इट एंड टू हैव अ वेरी हाइजीन प्लेस वेयर आर इन योर सराउंडिंग्स वेयर एवर यू आर लिविंग। जहाँ भी आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ बहुत ही हाइजीन रखना चाहिए, प्रिकॉशंस रखने चाहिए। और स्पेशली पानी जो है, खाना अच्छा खाओ और स्पेशली पानी जो है बहुत ही ज़्यादा देख के पियो, बहुत ही क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो सके तो उसे बॉइल करके पियो। और इसी प्रॉम्प्ट की वजह से, इसी ऐसे छोटे छोटे डिजीज़ हैं, माइनर डिजीज़ हैं और जो क्योरेबल है, क्योरेबल मतलब जिन्हें आरामदायक है, जो आराम मिल सकता है, जिन्हें जो ठीक हो सकते हैं, क्योर हो सकते हैं, लेकिन टाइमली जो है, प्रॉम्प्ट मतलब इंस्टेंट ट्रीटमेंट की वजह से उनको नहीं मिल पाता, ऐसा हो जाता है। देयर इज़ नो डाउट दैट वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, मनी, नॉलेज एंड अ एक्सपीरियंस पूल ऑफ प्रोफेशनल्स हु कैन रन वेरियस हेल्थ केयर सिस्टम्स। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज वी आर अनएबल टू प्रोवाइड नेसेसरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल पीपल। ऐसा कोई डाउट नहीं है, हाँ हम मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मनी भी है हमारे पास और नॉलेज भी, और बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स भी हैं, एक्सपीरियंस्ड पूल ऑफ प्रोफेशनल्स हैं हमारे पास जो वेरियस हेल्थ केयर सिस्टम चलाते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस हम नेसेसरी जो बेसिक जो हेल्थ केयर नेसेसिटी है वो हम पीपल को पहुंचा ही नहीं पाते, वो पीपल तक पहुंच ही नहीं पाती है, लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। व्हाट आर हेल्थ केयर सर्विसेज? हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड इन टू वेज बेटा। हेल्थ केयर दो तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर और प्राइवेट हेल्थ केयर। सबको पता है ना, एक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया ये हमारा पब्लिक हेल्थ केयर है, और जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल गंगाशील, गंगाचरण, मेडिसिटी,
SRMS, गुड लाइफ, ये सब हमारे क्या हैं, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। ये फ़र्क होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गवर्नमेंट मिशन, हमारा जैसे मिशनरी हॉस्पिटल है वो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है। तो पब्लिक सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है, सबको पता है। पब्लिक में क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो मेडिकेशन प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ डिस्पेंसरीज होती है, और क्लिनिक्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये दोनों जगहों के लिए ही ये चीज़ लागू होती है। एवरी स्टेट गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने हेल्थ के लिए, अपने विलेजेस की, अपने सिटी के लिए, अपनी स्पेशलिटी के लिए जो है वो क्या करती है, उसके लिए वो डिपेंडेंट है, लोग उस पर डिपेंडेंट है अपनी स्टेट गवर्नमेंट पे, कि वो हमें क्या 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 से क्या प्रोवाइड कर सकती है हेल्थ केयर के मामले में। एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन लार्ज मेट्रोज, और बहुत अच्छे मल्टी स्पेशलिटी मतलब वहाँ पे आँखों का डॉक्टर भी होगा, हार्ट का भी होगा, लिवर का भी हो गया, गैस्ट्रो भी होगा, ऑर्थो भी होगा, हड्डियों का जो होता है ऑर्थो भी होगा, न्यूरो भी होगा जो दिमाग का होता है, तो मल्टी स्पेशलिटी होती है। ये मेट्रोज में ज़्यादा आपको ऐसे वाले मिलेंगे। तो मेट्रो है, अच्छी सिटी भी होगी, मेट्रो है ऑब्वियसली तो अच्छी सिटी भी होगी, उस हिसाब से उसकी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी होगी, तो उस हिसाब से वो प्रोवाइड भी अच्छा करते हैं, ठीक है। दीज हॉस्पिटल्स प्रोवाइड आइदर फ्री और लो कॉस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, कंडक्टिंग असेंशियल टेस्ट एंड प्रोवाइडिंग मेडिसिन। तो ऐसे जो हैं, जो अच्छी गवर्नमेंट वाले, जो अच्छी स्टेट गवर्नमेंट, जिनकी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी अच्छी हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं, डिस्पेंसरीज प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर लो कॉस्ट बेटा, या तो फ्री बेसिस पे, वो लगता है ना शिखर, कौन सा शिखर लगता है, ब्लड डोनेशन शिवर लगता है, वो ऐसे करके लगा, ब्लड कैंप लगा होता है कहते हैं ना, तो वो ब्लड कैंप शिवर होता है, कैंप को शिवर आई थिंक कहते हैं ना, तो वो ब्लड कैंप लगते हैं, फ्री डोनेशन लगते हैं, और आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपके हेल्थ केयर कैंप लगते हैं, आइए टेस्ट कराइए, ब्लड शुगर चेक कराइए, बीपी चेक कराइए, ये सब कुछ ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट डायग्नोज भी अच्छे से करते हैं, ट्रीटमेंट भी अच्छे से करते हैं, कंडक्टिंग असेंशियल टेस्ट एंड प्रोवाइडिंग मेडिसिन, और फिर टेस्ट करके जो असेंशियल टेस्ट हैं उन्हें करते हैं डायग्नोज करने के बाद, और फिर उसकी मेडिसिन भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, या तो बहुत कम पैसों में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। दीज हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट विच इन टर्न कम्स फ्रॉम द टैक्सेस पेड बाय द पीपल। तो ये गवर्नमेंट भी पैसा कहाँ से दे रहा है, हमारा ही पैसा है, कहते हैं ना हमारा ही पैसा होता है, ये जो हम टैक्स भरते हैं बेटा, तो वो गवर्नमेंट फंड्स के रूप में उन्हें इन ऐसे हेल्थ केयर कैंप्स को प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर कैंप्स लगाती है टाइम टू टाइम अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी, और फिर हमें सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पल्स पोलियो इज एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1994 टू इराडिकेट पोलियो इन इंडिया, पोलियो मिथिलिटिस इसको बोलते हैं, 1994 में जो भी फंड्स इकट्ठे हुए थे कैंपेन स्टार्ट हुआ था, एस्टैब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि हम इराडिकेट, खत्म, जड़ से मिटा सके पोलियो को, पोलियो एक बहुत बड़ी बीमारी है। द कैंपेन हैज़ बीन सक्सेसफुल रही, रिजल्टिंग इन रिमार्केबल डिक्लाइन इन द इंसिडेंस ऑफ पोलियोमेलिटिस इन इंडिया। पहले बहुत आपको ये केसेस सुनने को मिलते थे, लेकिन इस कैंप्स के बाद जब से ये कैंप्स लगने शुरू हुए, जब से चीज़ें डायग्नोज होने लगी और विलेजेस में स्पेशली ये चीज़ें होने लगी, तो जब हेल्थ केयर कैंप्स लगने लगे, उसकी मेडिकेशन प्रॉपर प्रोवाइड करी, पोलियो का इंजेक्शन होता है, वैक्सीनेशन होती है ना, तो तब से बेटा इस चीज़ में रेट में इसके डिक्लाइन हो गया, और अब बहुत कम मात्रा में ऐसा पाया जाता है, ठीक है। एवरी चाइल्ड रिसीव अ डोज ऑफ फ्री ओरल पोलियो वैक्सीन विच कम्प्लीटली प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ वाइल्ड डिजीज कॉजिंग पोलियो वायरस। वही जो हम कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन करता है, दो बूंद जिंदगी के, दैट इज़ पोलियो ड्रॉप्स। जो लेडीज़ आपने देखा है अपने बॉक्सेस लेके, मेडिकल बॉक्सेस लेके आती हैं और कहती है, 4 साल से छोटा बच्चा कौन सा है यहाँ पे, 2-3 साल से छोटा बच्चा कौन सा है यहाँ पे, उनको मेडिकल पोलियो के लिए आती हैं, होम टू होम जाती हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा प्रोवाइड करती है। तो वो छोटे बच्चों को ज़रूर लगानी चाहिए, विलेजेस में स्पेशली ऐसा होता है, वो सोचते हैं पता नहीं क्या पिला देंगे,
इस वजह से पिछाड़ रह जाता है, विलेजेस जो है पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को ड्रॉप्स नहीं पिलाते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब उनको भी एजुकेट करा जाता है, उसके लिए भी स्पेशल कैंप्स लगते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, मीटिंग करी जाती है, उन्हें बुलाया जाता है कि इस चीज़ को समझिए, ये आपके बच्चों के लिए कितना अच्छा है, उसको उसका महत्व इम्पोर्टेंस बताई जाती है। और तब से ये चीज़ डर जो है, और अब लोग थोड़ा एजुकेटेड होने लगे, गाँव से भी लोग पढ़ने आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये एजुकेशन अब हम आज ये पढ़ रहे हैं ना, आप ये पढ़ रहे हैं, आपके अंदर ये चीज़ है ना कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना, आपको पता है आप ऐसा नहीं करेंगे आगे। आपको अगर आगे पता चलेगा कि आपका ब्रदर या सिस्टर कोई छोटा है या आपकी फैमिली में कोई, आप कहेंगे नहीं, जो मना करेगा आप कहेंगे नहीं, इसका इम्पोर्टेंस ये है, करिए। तो विलेजेस में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे तो वो नहीं करते, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एज़ कम्पेयर टू सिटी। एंड असेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर इज़ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज ट्यूबरक्लोसिस। इनका मेन फंक्शन ही यही है पब्लिक हेल्थ केयर का कि वो प्रिवेंट करें, बचाएं, बचाव दें स्प्रेड से डिजीज के, किस किस के, ट्यूबरक्लोसिस के, पोलियो के, मलेरिया के, जॉन्डिस के, डेंगू के और चिकनगुनिया के। ये बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करने के हेल्थ केयर सर्विसेज का यही काम है कि वो अच्छे से अच्छे प्रिवेंट कर सकें इन चीज़ों को। सो वी हैड लर्न टिल हियर अबाउट व्हाट द पब्लिक हेल्थ इश्यूज, व्हाट आर पीपल फेसिंग एंड हाउ आर गवर्नमेंट, यू नो व्हाट फेवर्स आर गवर्नमेंट इज डूइंग इन ऑर्डर टू गिव हेल्प टू द पीपल ऑफ विच एरिया, अर्बन और रूरल, बोथ एरियाज। इट इज अबाउट द बोथ एरियाज बट इट इज अबाउट द पब्लिक हॉस्पिटल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ओके, वी हैव ऑल्सो रेड दिस गोल्डन बॉक्स। पल्स पोलियो इज एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1994। वी ऑलरेडी नो ये उस टाइम पे ऐसा हुआ था, ये स्टैब्लिश करा गया था, ये कैंपेन स्टैब्लिश करी गई थी इन 1994 इन इंडिया इन ऑर्डर टू इरेडिकेट पल्स पोलियो। इरेडिकेट मीन्स इन ऑर्डर टू फिनिश द पल्स पोलियो। ओके, द कैंपेन हैज बीन सक्सेसफुल, दैट वॉज सक्सेसफुल एट दैट टाइम, रिजल्टिंग इन द रिमार्केबल डिक्लाइन इन द इंसिडेंस ऑफ poliomyelitis in India, that is what polio, poliomyelitis is polio, उसकी decline एकदम से वो decline किया था। This campaign was successful, it remained successful, resulting in a remarkable decline। उसके बाद जो एक ratio है, एक rate है, जो graph है polio का, वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था और लोगों को relief मिला था। Every child receives a dose of free oral polio, वो हम जो बोलते हैं दो बूंद, that two drops, जो है ये private ही, जो आपके public government ही है, जो government है वो हर किसी को provide करती है, either it is a very rich person or it is below poverty also, हर किसी के लिए है ये government की तरफ से होते हैं, ये free of cost होते हैं, ये घर घर जाके पिलाए जाते हैं, below 4 years of age होते हैं, दो drops आते हैं तो ये चीज़ करी जाती है। ठीक है, अच्छा, एन एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज ऑफ, ये सबको पता है क्या है पब्लिक हेल्थ केयर का मेन फोकस क्या रहता है, कि इन चीज़ों को, ट्यूबरक्लोसिस हो गए, पोलियो हो गए, मलेरिया हो गए, डेंगू हो गए, इन चीज़ों को क्या करें, इरेडिकेट करें, ख़त्म करें। ठीक, द पर्ल्स पोलियो कैंपेन बाय द गवर्नमेंट हैज सर्टन संडेज इमाग एज पोलियो डे, कुछ सर्टन संडेज हैं जो उसे पोलियो डे का ही नाम उन्होंने उसको करा हुआ है। ऑन दिस डे ऑल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, वही मैं आपको बोल रही थी, 5 years से नीचे जितने भी 4 and below 4 जितने भी बच्चे होते हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। एंड एडमिनिस्टर्ड पोलियो ड्रॉप्स ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट बाई हेल्थ वर्कर्स, जो हेल्थ वर्कर्स है हमारे, जो स्टाफ है, जो कम्युनिटी स्टाफ है इसका हेल्थ का, वो जा के घरों में पिलाते हैं, स्पेशली विमेन ही होती हैं। ठीक है, बिकॉज दे इट फील्स कि विमेन थोड़ा सा बच्चे को देख के, बच्चे डरते नहीं हैं एकदम से एक लेडी को देख के, तो इसीलिए लेडी को ही भेजा जाता है इसके लिए। इन द कंट्री इन एवरी स्टेट, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, कोई भी जगह हो, मैंने कहा ना बिलो पॉवर्टी लाइन हो या रिच से रिच हो, तो सिटी हो, स्टेट हो या कोई डिस्ट्रिक्ट हो, हर जगह भेजा जाता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट
टू सेफ गार्ड द हेल्थ ऑफ एवरी सिटीजन. ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की, हमारा राइट है ये. ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं कि ठीक है पब्लिक में तो ऐसा होता है, राइट होते हैं हमारे, ये राइट है हमारा कि हमें ये मिलेगा ही मिलेगा और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू प्रोवाइड नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, थोड़ा सा इनको कंसिडर करेंगे इन स्टेटमेंट्स को. इन इंडिया मोस्ट पॉपुलर स्टेट, इन इंडियाज मोस्ट पॉपुलर स्टेट यूपी, इंडिया की जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट है यूपी, जिसके विद इट्स लो लेवल्स ऑफ सैनिटाइजेशन एंड हाई मेल न्यूट्रिशन रेट्स, जिसमें से हम भी आते हैं, हम भी यूपी के हैं, मेल न्यूट्रिशन रेट्स, पोलियो हैज़ मेड अ डेंजरस कम बैक. यूपी जो है पूरे इंडिया में मेल न्यूट्रिशन के लिए सबसे ज़्यादा आगे है. मतलब कि यहाँ पे हाइजीन नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे सैनिटाइजेशन नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, क्लीनिंग नहीं है, तो इस वजह से इसमें हमारा जो यूपी है वो सबसे नीचे है. और ये बात सच है, बहुत जगह पे हैं पब्लिक टॉयलेट्स हो गए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके हम वाइल वी आर ट्रैवलिंग, जो भी रूट पे हमारे पेट्रोल पंप्स पड़ते हैं, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यूजिंग द वॉशरूम्स, टॉयलेट्स फॉर स्पेशली फॉर किड्स एंड लेडीज़. ये बहुत ज़रूरी है, आपको कोई मना नहीं कर सकता, ये आपका राइट है. कोई अगर आपको मना करे तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, आपको ये बात पता है. अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, रास्ते हम कहीं भी जाएंगे हम वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा राइट है, ये गवर्नमेंट ने बोल रखा. और दैट शुड बी सैनिटाइज प्रॉपरली क्लीनड एंड केप्ट, वो साफ़ सुथरे रखने चाहिए, क्योंकि किड्स और लेडीज़ को वो यूज़ करने तो मना ही नहीं कर सकते, यूज़ कोई भी कर सकता है, जेंट्स भी कर सकते हैं, बने भी होते हैं, सेपरेट बने भी होते हैं, लेकिन ये हमारा राइट भी है और उन्हें साफ रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये साफ करना ही करना है. ठीक है, पोलियो हैज़ मेड अ डेंजरस कमबैक, और इसी की वजह से पोलियो ने अपना कमबैक किया है. पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर टुडे इज़ अबाउट 4.17% ऑफ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. द लार्जर पार्ट ऑफ हेल्थ कॉस्ट इज पेड बाय द पेशेंट. अब पब्लिक में क्या होता है बेटा, पब्लिक में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, प्राइवेट सॉरी पब्लिक ही है, ये पब्लिक ही चल रहा है. पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर टुडे इज अबाउट 4.7% ऑफ द GDP. पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर पे इतना है और जो ज़्यादा लार्जर पार्ट है हेल्थ का वो पेशेंट्स खुद पे करते हैं. एक अमाउंट होता है कि इतना अमाउंट तक गवर्नमेंट पे करेगी ही करेगी आपके लिए, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज खुली हुई हैं या कुछ खुला हुआ है कि इसमें तो इतना अमाउंट कट जाएगा, ऐसे होता है. मेडिकल केयर इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रूरल फैमिली डेथ. मेडिकल केयर जो है इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन, द लार्जर पार्ट ऑफ हेल्थ कॉस्ट इज पेड बाय पेशेंट्स. मेडिकल केयर इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉज ऑफ रूरल फैमिली डेथ. जो मेडिकल जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं सबसे ज़्यादा उनको क्या बोला जाता है, कहते हैं ना ये डेप्थ में है, मतलब ये किसमें है, नहीं वो कह रहे हैं जो डेप्थ है वो क्या होता है, कर्जा होता है. तो मेडिकल केयर वो कह रहे हैं एक ऐसा सेकेंड रीज़न है जिस वजह से रूरल फैमिलीज जो हैं कर्जे में डेप्थ में आ जाती हैं. अबाउट 62 million इंडियंस सफर फ्रॉम अ फ्लोरोसिस, अ वाटर बॉर्न डिजीज़. पानी की वजह से जो डिज़ीज़ हो जाता है वाटर बॉर्न डिजीज़ है. 62 million इंडियंस जो है सफ़र करते हैं फ्लोरोसिस से. प्राइवेट की बात करते हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर ऑर्डर्ड बाय इंडिविजुअल्स. प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं ऑफ़र करी गई हैं इंडिविजुअल्स के थ्रू. किसी एक का हॉस्पिटल होता है, वो लोग अपने अंडर में इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, वो इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर्स बिठाते हैं और वो उन्हें हम प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉफिट मोटिव. जिसे हम कहते हैं अरे ये हॉस्पिटल वाले तो ये स्कूल वाले तो आजकल बिजनेस कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले तो बिजनेस कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे हम बात करते हैं ना, तो वो प्राइवेट होता है. जो एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया आपका, मिशनरी हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, ये सब हो गया, अब प्राइवेट हो गया आपके, जैसे गंगा शील हो गया, गंगा चरण हो गया, शील हो गया, ये सब आपके पब्लिक हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है सॉरी. ठीक है, ये किसी एक बंदे का होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, इसको ये प्रॉफिट मोटिव के लिए इंसान चलाता है, ऑब्वियसली अपने काम के लिए चलाता है, बिजनेस के लिए चलाता है. ठीक है, जो बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो भी हमारे ही पैसे से चल रहे हैं, कैसे, जो हम टैक्स वगैरह पे करते हैं उसी से ही उसमें
चीज़ें बनती हैं, बढ़ती हैं, डॉक्टर्स प्रोवाइड होते हैं, वहीं से डॉक्टर्स की भी सैलरी आती है, वो सब इसीलिए प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, इसीलिए उसकी फीस वगैरह भी है जो या तो ज़ीरो होती है या कुछ कम होती है एज़ कम्पेयर टू यहाँ हम प्रिस्क्रिप्शन बनाने जाते तो 500 से नीचे कोई नहीं बताता, वहाँ 100 रुपीज़ में भी बन जाते हैं, या जो प्रिस्क्रिप्शन है मतलब देखते वो कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सिर्फ मेडिकेशन के चार्ज होते हैं, या तो ऐसा रहता है जो पब्लिक हॉस्पिटल है। समझ गए फर्क पब्लिक और प्राइवेट का? दोबारा बताऊँ, कुछ पूछना है फिर पूछ लो, ठीक है। सच सर्विसेज आर मोस्टली फाउंड इन अर्बन एरियाज एंड आर एक्सपेंसेस। अर्बन एरियाज हमारे कौन से होते हैं? जिसमें हम रह रहे हैं, ये फैसिलिटीज जो है ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन एरियाज में ही पाई जाती हैं, जैसे सिटीज़ में, अच्छे मेट्रोज में, और वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एज दे ऑफर द लेटेस्ट इक्विपमेंट, क्योंकि वो लेटेस्ट इक्विपमेंट अच्छे डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, सारी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, आपको इधर से उधर भागना नहीं पड़ता, एक डॉक्टर पे गए दूसरे डॉक्टर पे गए, यहाँ टेस्ट करा रहे हैं, कहीं और जाके एक्सरे करा रहे हैं, वहीं पे सारे इक्विपमेंट्स, वहीं मशीन्स होती हैं, वहीं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हो, बस उनके क्या बने होते हैं, रूम्स बने होते हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, डिपार्टमेंट्स ऑफ कार्डियोलॉजी है, डिपार्टमेंट्स ऑफ न्यूरोलॉजी है, तो डिपार्टमेंट्स होते हैं, बड़ा सा इंस्टीट्यूशन होता है, सबको पता है, वहीं डॉक्टर्स बैठते हैं, जैसे मेडिसिटी हो गया, गंगाशील हो गया, SRMS हो गया, तो वहाँ पे आपके सब कुछ है, मशीन्स भी हैं, टेस्टिंग भी हो जाती है, सब हो जाता है, बस आपको वहाँ जाना है, कंसल्ट करना है, गिव द मनी एंड योर वर्क इज़ डन, ठीक है। मैनी डॉक्टर्स सेटअप देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक। अच्छा, कुछ प्राइवेट क्लिनिक सेटअप करते हैं, जैसे जिन्हें हम फिजिशियंस होते हैं, जब हम फिजिशियंस के पास जाते हैं, हमें कफ कोल्ड होता है, फीवर होता है, हम जाते हैं, या हम वैसे भी जाते हैं तो वो डायग्नोज करते हैं, वो उनका अपना प्राइवेट होता है, वहीं वो कंसल्टेशन लेते हैं, वहीं वो मेडिसिन दे देते हैं, मेडिसिन कोई बाहर की भी होती है तो वो कभी बाहर की भी दे देते हैं, फिर उसके बाद टेस्टिंग वगैरह होती है तो वहाँ टेस्टिंग वगैरह नहीं हो सकती, वो क्लिनिक्स होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, छोटे छोटे डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है। इन सिटीज़ एंड ऑफर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दैन पब्लिक हेल्थ केयर, ऑब्वियसली वो क्लिनिक्स भी पब्लिक हेल्थ केयर क्लिनिक से अच्छे होते हैं। वी कैन ऑल्सो सी प्राइवेट शॉप्स विच सेल मेडिसिन एज बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव एंटर द रेस इन द मार्केट मेडिसिन। आपको पता है इस टाइम कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही इस टाइम में कॉम्पिटिशन है मेडिकल लाइन में। वी कैन ऑल्सो सी प्राइवेट शॉप्स विच सेल मेडिसिन, हमें पता है प्राइवेट शॉप्स भी ऐसी हैं जो मेडिसिन सेल करती हैं, और इस वजह से जो फार्मास्यूटिकल इस टाइम कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्या कर रही हैं, भेड़ चाल कहते हैं ना जैसे, कॉम्पिटिशन में है बहुत ज़्यादा। वाई आर दे, ठीक है, द प्राइवेट सेक्टर मेक्स अप फॉर 80% ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज इन अ स्टेट डिस्पाइट बींग एक्सपेंसिव दैन पब्लिक सर्विसेज। फिर भी जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो 80% अपना बनाती हैं, पता है तुम्हें, पब्लिक हेल्थ केयर से ज़्यादा, जब प्राइवेट जो है 80% ज़्यादा बनाते हैं। द प्राइवेट सेक्टर मेक्स अप फॉर 80% ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज इन अ स्टेट डिस्पाइट बींग एक्सपेंसिव। डिस्पाइट वो इतने एक्सपेंसिव हैं, उसके बावजूद वो सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट होता है। ऑब्वियसली जो वहाँ 5 लोग जाएंगे, वहाँ एक बंदा जाएगा, वहाँ की निकल आएगा, बिकॉज वो क्या है, वो प्राइवेट सेक्टर है और वो पब्लिक सेक्टर है, तो वहाँ चीज़ डिफरेंसेस आ ही जाते हैं, इतना एक्सपेंसिव होने के बाद भी वो इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं आज की तारीख में, ठीक है। दीज आर मैनी रीजन्स फॉर सच एज, बहुत से रीजन्स हैं ऐसा कि, सॉरी यहाँ पे थे हम, डिस्पाइट बीन एक्सपेंसिस दैन एक्सपेंसिव दैन पब्लिक सर्विसेज, द रीज़न बिहाइंड दैट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज बोथ पीपल प्रेफर टू पे एंड अवेल मोर सोफिस्टिकेटेड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट डॉक्टर रादर देन यूज फ्री ट्रीटमेंट एज पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स। क्योंकि वहाँ पे बेटा लोग वो कह रहे हैं कि आज के टाइम में लोग थोड़ा पैसा ज़्यादा दे के लेकिन सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड करना या लेना चाहते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि वो सोचते हैं वहाँ अच्छे बेड्स होंगे, वहाँ अच्छा स्टाफ होगा, अच्छे डॉक्टर्स होंगे, वहाँ साफ़ सफाई होगी, पढ़े तो सब वही चीज़ हैं, लेकिन ये चीज़ होता है वहाँ और अच्छे सैलरीज पे डॉक्टर्स रखे होते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी रखे होते हैं, ये भी एक रीज़न देखिए है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट के हिसाब से लोग, फिर गवर्नमेंट के हिसाब से देखते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, वो कहते हैं अरे सैलरी तो इतनी है नहीं यहाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट काम चल रहा है, ठीक है देखो हटाओ। लेकिन हाँ, कई लोग बहुत अच्छे से भी वर्क करते हैं, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, बट इट हैपेंस, और लोग आजकल पैसे देके काम लेना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि अरे जल्दी जल्दी हो जाएगा, जल्दी नंबर आ जाएगा, नंबर बिकॉज नंबर के हिसाब से होता है, वहाँ तो भेड़ चाल होती है,
20-100 में बैठे होते हैं, कब आपका नंबर आया कुछ नहीं पता, ऐसा हिसाब होता है। इसीलिए लोग क्या करना चाहते हैं, प्राइवेट में लेना चाहते हैं कि वहाँ एक तो हमें इक्विपमेंट सारे मिल जाएंगे, टेस्ट हमारे वहाँ सारे हो जाएंगे, सब चीज़ें हमारी एक ही जगह पे हो जाएंगी। हाँ थोड़ा पैसा ज़रूर लगेगा लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा, और हमें शायद अच्छा सोफिस्टिकेटेड वहाँ माहौल मिलेगा। ठीक है, बच्चों को अब हम भी आज अपने इंजेक्शन वैक्सीनेशन लगवाने जाते हैं, या आप अपने ब्रदर सिस्टर को लेके जाते होगे तो आप नहीं जाते होगे ऐसी भी जगह में ले जाए साफ़ सुथरी, आप खुद भी जाना नहीं पसंद करो, आप कहोगे नहीं सैनिटाइज हो जगह, अरे ऐसी जगह पे जाएंगे ऐसी और बीमारी लेके आ जाएंगे, बोलते हैं ना घर पे। ये चीज़ है, देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस सच एज बेटर मेडिकल अटेंशन और क्लीन एनवायरनमेंट। यही मैंने आपको बताया कि बेटर मेडिकल अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं वहाँ पे, अटेंशन मिली जाती है, अलग रूम लिया होता है आपने, सेपरेट रूम लिया होता है, डिस्ट्रिक्ट में तो सब पड़े हुए होते हैं, और आपने सेपरेट रूम लिया होता है तो उस पेशेंट को उस तरीके से डील किया जाता है, वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद नर्स आ रही है चेक कर रही है, तो द डॉक्टर्स आर बेटर क्वालिफाइड। यही मैंने बताया, डॉक्टर्स वहाँ प्राइवेट में बेटर क्वालिफाइड होते हैं एंड विलिंग टू स्पेंड मोर टाइम, बिकॉज उनकी सैलरी इतनी होती है, वो इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से वो फिर ट्रीट करते हैं उसी हिसाब से कि भाई हमें जो पेशेंट को है पूरा सेटिस्फाई करके भेजना है। ठीक है, वो ये ना सोचे कि अरे 500 रुपये भी ले ली, 1000 रुपये भी की दवाइयाँ दे दी और हमें सही से बताया भी नहीं कि प्रॉब्लम है क्या। इवन द पुअर प्रेफर टू गो, आजकल पुअर लोग भी प्रेफर करते हैं प्राइवेट क्लिनिक्स में जाना क्या कि ताकि चलो एक बार पैसा ज़रूर लगेगा लेकिन बार बार भागना तो नहीं पड़ेगा हॉस्पिटल, रिकवरी तो जल्दी मिल जाएगी, बेटर ट्रीटमेंट तो मिलेगा, वो होप में वो वहाँ जाते हैं। पिक्चर में क्या बना हुआ है, क्या दे रहे हैं बच्चे को? पोलियो। वेरी गुड, पोलियो ड्रॉप्स। वेस्ट बंगाल में रिसेंटली ऑल द हेल्थ प्रोजेक्ट्स टेकन अप इन द अर्बन एरियाज हैव बीन पुट अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला विद अ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एसोसिएशन, सुधा जिसे बोलते हैं, एज द नोडल एजेंसी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक केस स्टडी है, इसके बारे में पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल में कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, फिर उसके बाद पढ़ेंगे नीड ऑफ द आर। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, नाउ वील रीड अबाउट नीड ऑफ द आर रोल ऑफ द गवर्नमेंट, पेज नंबर 219। It is the responsibility of the government to improve the infrastructural resources of every state. These resources include availability of water, proper sewers, electrical grids, telecommunications and roads. The central government fulfills these by allocating funds to the state government. क्या होता है, ये government की responsibility है बेटा, और हमारी right है, ये fundamental right है कि हमारे resources भरपूर resources हों और उनका ध्यान रखें each state में। दीज रिसोर्सेज क्या इंक्लूड करते हैं, प्रॉपर पानी, प्रॉपर सीवर्स, नाले, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, प्रॉपर ग्रिडिंग सिस्टम होना चाहिए, ऐसे नहीं तारे लटक रही हैं, तारे लटक रही हैं तभी, इसीलिए हमारा स्टेट इन चीज़ों में नीचे आ जाता है। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन मतलब सैटेलाइट्स, प्रॉपर सैटेलाइट्स सिस्टम, हमारे जो भी सिग्नल सिस्टम्स हैं ये सब प्रॉपर होने चाहिए, और रोड्स। ठीक है बेटा, हर चीज़ हेल्थ से कनेक्टेड भी है, पानी की ज़रूरी है, कोई आपको कोई खांसी भी आ गई या कुछ भी हो गया, थोड़ा सा भी एक आपको मैं मतलब लीस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि कुछ भी हो सकता है, तो पानी होना चाहिए, रोड्स अच्छी होनी चाहिए, हम डॉक्टर्स के पास आराम से पहुँच सके, टेली कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, सिग्नल्स अच्छे होने चाहिए, कहीं भी हम किसी भी एरिया में हो हम कहीं किसी को कॉन्टैक्ट कर सके, हम किसी परेशानी में ऐसा वर्ल्ड है तो हम ये चीज़ रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हर स्टेट में ये चीज़ प्रोवाइड करें। द सेंट्रल गवर्नमेंट फुलफिल दीज बाई एलोकेटिंग फंड्स टू स्टेट गवर्नमेंट, और द सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कैसे बेटा फुलफिल करती है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है स्टेट गवर्नमेंट को क्या देती है, फंड्स दे के उन्हें फंड्स देती है। ठीक है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फुलफिल करती है कैसे, ये चीज़ों को फुलफिल करती है स्टेट गवर्नमेंट को रिसोर्सेज फंड्स प्रोवाइड करके। ठीक है, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एन इंस्टीट्यूशन विच फॉर्मुलेटेड इंडियाज 5 ईयर्स प्लान, तो जो प्लानिंग कमीशन है इंडिया की जो सब कुछ प्लान करती है अगले 5 साल में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो वो 5 ईयर्स फॉर्मुलेट करा उन्होंने, इंडियाज 5 ईयर प्लान, वो एक इंस्टीट्यूशन है अमंग अदर फंक्शंस, और फंक्शंस के साथ भी ये फंक्शंस उन्होंने तय करे। दिस कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ थिंक टैंक डेवलप्ड बाय नरेंद्र मोदी कॉल नीति आयोग। ठीक है, ये जो कमीशन प्लानिंग की ये किसने हटाई, किसने रिप्लेस करी, बाय अ थिंक टैंक
किन्होंने हटाई? नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे कौन है वो, रिस्पेक्टेड पीएम है, उन्होंने हटाई। और उसको क्या बोलते हैं, क्या बोला उन्होंने, उसको क्या नाम दिया, नीति आयोग। नीति स्टैंड्स फॉर, नीति का मतलब आपको पता है ना, नीति मतलब कार्य, नीति, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया जो हम इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेगा, चेंजेस लाएगा इंडिया में। दिस आयोग फॉर्मुलेट्स प्लान्स फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक स्टेट है, जो पैसे से जो भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं बेटा, उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए उन्होंने ये आयोग चलाया था। देखिए, पैसे का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से कहाँ कहाँ सिस्टमेटिकली जब तक नहीं होगा, टैक्स जो हम पे कर रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं पहुँचेंगे और प्रॉपरली टैक्स पे नहीं किए जाएंगे, तो तब तक जो है सर्विसेज भी नहीं मिलेंगी ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें सर्विसेज मिलनी है। तो इसीलिए उन्होंने ये चलाया और उस पर क्या किया उन्होंने, ये क्या करता था इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और ये इसका काम क्या होता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखना इंडिया की। अमंग इट्स वेरियस फंक्शंस आयोग फॉर्मुलेट्स अ प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज। वही बात आ गई, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कमी नहीं है, लोग भी हमारे पास अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास, लेकिन रिसोर्सेज को कैसे, फंड्स को कैसे कैसे कहाँ यूटिलाइज करना है, इसके बिसाइड वो ये भी देखता है कि कैसे कहाँ प्रॉपर यूटिलाइजेशन कहाँ पे है और कितना होना चाहिए, उसका पूरा बैलेंस देखता है, ठीक है, कितना इफेक्टिव उसका। एवरी स्टेट हैड इट्स ओन स्टेट प्लानिंग कमीशन एज वेल, और सब स्टेट में अपनी प्लानिंग कमीशन भी है, ठीक है। The State Planning Commission, in addition to other functions, is primarily responsible for giving necessary support to all the urban local bodies. The government has the responsibility of providing healthcare to its people. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो provide करती है, और जो State Planning Commission है वो अब हमारे urban local bodies जो हैं, मतलब हमारी local में जो urban bodies हैं, जो below poverty line हो गए, बहुत गरीबी की तरफ हैं, उनको प्रॉपर हेल्प करती है और उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इट्स डिफरेंट टाइप, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। इट्स डिफरेंट, इफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज आर टू बी प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट देयर शुड बी अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज़। और हम ये चाहते हैं कि अगर ये तरह तरह की बीमारियाँ जो डिजीजेस चल पड़े हैं, तो अगर उन्हें ट्रीट करना है प्रॉपर, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव वेरी गुड मेडिकल फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, सेंटर्स हो, हॉस्पिटल्स हो, लेबोरेटरीज हो टेस्टिंग्स के लिए, एम्बुलेंस सर्विसेज हो, ब्लड बैंक्स हो, एंड सो ऑन फॉर ऑल द पीपल, और सब के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ कम के लिए, ज़्यादा के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, सब के लिए होना चाहिए। दे कैन प्रोवाइड द सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द पीपल, दीज कैन प्रोवाइड द सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट्स हु नीड देम, लोगों को, पेशेंट्स को, हर सिटीजन को अवेलेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। दीज सर्विसेज हैव टू बी मेड अवेलेबल टू एवरी सिटीजन, इट इज़ नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट प्ले अ मोर एक्टिव रोल इन प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सिटीजन्स इवन इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। जो ऐसे कॉर्नर्स हैं जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पा रहे, फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पा रही, तो उनका ये गवर्नमेंट का ये रूल राइट है, हमारा राइट है, और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हम तक पहुँचाएँ, ठीक है। Sum it up, good health means our capacity to remain free from physical disorder, illness and injuries. Sound health का मतलब होता है ability to lead a social and economic life. Sound ability का मतलब नहीं होता कि ठीक है काम चल रहा है, medicines खा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता, या चोट वोट लगती रहे, उसका मतलब होता है sound mind. आप इतना अच्छा कमा पा रहे हो, economic भी stable हो, socially भी stable हो, वो एक healthy body and mind होता है। क्या होता है healthy body and mind? जो स्टेबिलिटी जहाँ हो, ठीक है, जहाँ हम एंजाइटी और फियर से परे हों। द प्राइवेट सेक्टर मेक्स अप टू 80% ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज डिस्पाइट बीइंग मोर एक्सपेंसिव देन पब्लिक सर्विसेज। ये मैंने बताया था, प्राइवेट सेंटर ज़्यादा एक्सपेंस हेल्थ केयर सर्विसेज में कमाता है। इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज आर प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको डिजीजेस को प्रिवेंट करना है और ट्रीट करना है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट हमें सारी तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, ब्लड बैंक्स, एम्बुलेंस सर्विस, और बहुत सारी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करें, ठीक है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 221 एक्सरसाइजेस पे।